हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट। कल हम लोगों ने वेदर के बारे में पढ़ा था और उसकी डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पढ़ा था कि वेदर में चेंजेस क्यों आते हैं, क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वेदर में चेंजेस आते हैं। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट रिफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लाइमेट होता है वो आपकी क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट में जब आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जितनी भी होती हैं, जैसे जिन कंडीशंस के बारे में हमने कल पढ़ा था, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो रही है या फिर रेनी सीज़न है या फिर आपकी विंडी है या सनी सीज़न है या वॉर्म है, जैसा भी आपका एटमॉस्फेयर में कंडीशंस बन रही हैं और वो कंडीशंस जब एक साथ कई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती हैं उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। In fact, climate can be defined as the average weather conditions prevailing at a place recorded over a long period of time. आपकी क्लाइमेट की कंडीशंस क्या होती हैं? In fact, climate can be defined as the average weather condition. मतलब ये एक तरीके का एवरेज कंडीशंस निकाली जाती हैं कि एक पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है। सपोज़ फॉर अ मंथ, अगर एक मंथ का पीरियड हमने डिसाइड कर लिया और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि उस पर्टिकुलर मंथ में कौन सी कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, कौन सी कंडीशंस हो रही हैं, तो उन कंडीशंस को एक रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसके बेसिस पे क्लाइमेट का डिसीजन किया जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइमेट कवर्स अ लार्जर एरिया। और जो आपका क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन होता है वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है। मतलब कि हम उस अगर एक एरिया जो दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं कि या जो हमारा कंडीशंस होती हैं क्लाइमेट की वो आपकी कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं, एक तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है कि इतने टाइम पीरियड में कैसा वेदर था और उसके साथ साथ वो एरिया भी कितना बड़ा था। बहुत छोटे से एरिया की डिसाइड नहीं होता है कि क्लाइमेट है, अगर उस एरिया को बहुत बड़े एरिए को जज किया जाता है कि उस बड़े एरिए में एट अ पर्टिकुलर टाइम मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसा वेदर रहा वो हमारा क्लाइमेट डिसाइड करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड एवरेज ऑफ वेदर डेटा रिकॉर्डेड ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये इसी पे बेस होता है, ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है कि जो आपका डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाता है ओवर अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पूरे जो भी हमने जो पीरियड टाइम पीरियड डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड की पूरी एवरेज वेदर कंडीशंस रिकॉर्ड करी जाती हैं और फिर उसके बाद क्लाइमेट डिसाइड होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन ऑन द अर्थ। और क्लाइमेट किस पे डिपेंड होता है कि अर्थ पे उसकी क्या लोकेशन है, उस पर्टिकुलर एरिया की क्या लोकेशन है, उसी बेसिस पे क्लाइमेट आपका डिसाइड होता है। इफ़ अ गिवन प्लेस इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर, अगर कोई प्लेस इक्वेटर के बिल्कुल पास में है तो क्या होगा, इट विल हैव एब्सोल्युटली डिफरेंट क्लाइमेट। अगर इक्वेटर के पास है कोई भी प्लेस तो वो वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अगर सी इट विल हैव एब्सोल्युटली डिफरेंट क्लाइमेट एंड द प्लेस नियर द पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लाइमेट। और देखिए, अगर इक्वेटर के पास वाली प्लेसेस होंगी तो उसका क्लाइमेट अलग कंडीशंस बताएगा, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, और अगर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास की होंगी तो वो भी हमारी कंडीशंस अलग होंगी, वहाँ का भी क्लाइमेट अलग ही शो करेगा। The places near the sea and on the mountains will have different climates. और जो places आपकी sea और mountains के आसपास वाले areas भी जो होते हैं places होती हैं वहाँ के भी अलग
क्लाइमेट होते हैं. सो यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स कि अलग अलग जैसे हमारी अर्थ पे एक पर्टिकुलर प्लेस की पोजीशन होती है, अगर वो अर्थ के पास है तो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी, अगर वो नॉर्थ पोल पे है या फिर साउथ पोल पे है तो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी, और अगर वो सी के पास वाला एरिया है, सपोज कोस्टल एरियाज़ हैं तो वहाँ की कंडीशन अलग होगी, और अगर माउंटेन के पास वाले एरियाज़ हैं तो वहाँ की कंडीशंस अलग होंगी. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस. जैसे जैसे प्लेस चेंज होगी, प्लेस की जो आपकी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन चेंज होगी, वैसे वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं. सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल हम लोग डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे. सो डू द रीडिंग प्रॉपरली अबाउट दिस, पूरा डिफरेंस अच्छे से रीड आउट करिएगा. कल हम इसको ब्रीफली पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगी. सो डू द रीडिंग प्रॉपरली. थैंक यू.